सो हे गाइस, दिस इज ट्रिकी इधर वेदर यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं हम लोग किस तरह से क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। गाइस बता दूं कि ये जो ट्रिक है आज तक आप सबको यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा, आप सब हमने तो देख ही लिए। इसी प्रकार मैं बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद कई चैनल पर भी आ सकता है ये वीडियो। ये मैं बोल सकता हूँ कि अभी कई वीडियो कॉपी करेगा ये मेरा वीडियो और बहुत सारे चैनल पर आप सब देख पाएंगे ये वीडियो। बट अभी जो आपको ट्रिक है ये आप सब पहले देख रहे हैं, जो वीडियो एक लाइक कर दीजिएगा ताकि आपके लाइक से हमको एक मोटिवेट मिलता है, जो वीडियो एक लाइक कर देने वाले हैं रोजा पे ई पोस एप्लीकेशन के बारे में, जो कि आप इस एप्लीकेशन से क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली अपने बैंक अकाउंट में। गाइस पूरे जानकारी देने वाला हूं मैं इस वीडियो। सो गाइस मैं फाइनली आज को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और रोजा पे एप्लीकेशन को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। गाइस देखेंगे रोजा पे जो एप्लीकेशन है ई पोस एप्लीकेशन, जो ई पोस आपको डाउनलोड करना है अपने प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको आसानी से ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, जो कि प्ले स्टोर बहुत आसानी से आपको ये मिल जाता है। राजौड़ पे ई पोस मशीन आपको याद रखना है, राजौड़ पे या तो आप लोग देख लीजिए, अदरवाइज मैं इस एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप सब इधर से भी इस एप्लीकेशन को आप सब डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इंस्टेंट में आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होती, क्योंकि 3 MB का है और 3 MB बहुत बड़ा होता नहीं है, आपको कुछ ही सेकंड में ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो कहीं देखेंगे फाइनली ये मेरा राजौड़ पे जो है ई पोस एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, उसके बाद हमको ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं ओपन पे क्लिक कर दिया। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपका जो रोजा राजौड़ पे एप्लीकेशन का जो आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसका ईमेल आईडी और साथ में आपको पासवर्ड इधर आपको डालना पड़ेगा। चलो फाइनली अपना राजौड़ पे का जो अकाउंट नंबर सा डाल दिया गया, जैसे मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला था गाइस, उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको सब मनी ट्रांसफर करने के लिए गाइस देखेंगे आपको जितना भी अमाउंट चाहिए आपको ट्रांसफर करने के लिए, अदर आपको जो हिस्ट्री है या पेमेंट है या अदर आप सेटिंग चाहते हैं सेटिंग में कुछ इनेबल करने, तब सेटिंग का भी इधर से आप इनेबल कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर चलो मैं सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद गाइस देखेंगे इधर आपको एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा लाइव पेमेंट, आपको फाइनली लाइव पेमेंट पर आपको इधर क्लिक करना है, जो कि इधर टेस्ट पेमेंट भी है, आपको टेस्ट पर नहीं क्लिक करना है, फिलहाल में भी लाइव पे आपको क्लिक करना है, तो उसका आपको फाइनली पेमेंट पे फिर से क्लिक कर देना है, क्योंकि अभी आपको मनी ट्रांसफर करना है तो पेमेंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली पेमेंट पे 100 रुपीज़ डाल दिया। उसके बाद गाइस आपको मोबाइल नंबर कस्टमर का डालना पड़ेगा, अगर बजाय अपना खुद का पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप खुद का मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, यानी दूसरा मोबाइल नंबर इधर आप डाल दीजिएगा, जो मोबाइल नंबर आप क्रिएट किए हैं वो अकाउंट का वो मोबाइल नंबर आप नहीं डालिएगा, आपको दूसरा मोबाइल नंबर इधर आपको फिल करना है। चलो फटाफट अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद रिसेप्शन में कुछ भी आप डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। उसके बाद आपको जो भी चाहिए अमाउंट है 100 रुपीज़ हो गया, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी चाहिए रीजन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो फाइनली मैं ये जो है सेंड कर दिया, यानी आपको एक लिंक तैयार हो गया। गाइस देखेंगे अदरवाइज आप चाहते हैं कि ये लिंक को मैं शेयर करूँ तो आप शेयर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा, यही सेम आया मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर। तो देखेंगे फाइनली हमारे एक मोबाइल नंबर पर एक लिंक शेयर होकर आ चुका है, जो कि राजौड़ पे एप्लीकेशन की तरफ से हमको ये लिंक आया, जो कि मैं रीट्राई किया था, तो इसके लिए हमको 2 बार लिंक शेयर होकर आ चुका है हमारे मोबाइल नंबर पर, जो कि मैसेज के रूप में आया। तो चलो फाइनली आपको गाइस इस पर आपको लिंक पे एक बार आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं उसी लिंक पे क्लिक कर दिया हूँ। लिंक पे क्लिक करने के बाद गाइस फाइनली आपको ये लेके जाएगा क्रोम में, क्रोम में। चलो फाइनली मैं चलता हूँ अपने क्रोम में पहले। तो गाइस देखेंगे फाइनली जो ये राजौड़ पे ई पोस की तरफ से जो हमको लिंक क्रिएट हुआ था उसी लिंक के पे मैं जब क्लिक किया तो हमको लेके आया ये गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आने के बाद गाइस देखेंगे हमको 100 रुपीज़ दिख रहा है। उसके बाद 100 रुपीज़ दिखने के बाद गाइस देखेंगे आपको इधर से आपका एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ता है, तो आपके पास जो भी ईमेल आईडी रहेगा वो ईमेल आईडी इधर आप डाल दीजिएगा, जो कि आपका इस पे जो रिसीविंग आपको मिल जाएगा। तो गाइस फाइनली मैं एक ईमेल आईडी डाल दिया। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद गाइस देखेंगे इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कार्ड का, नेट बैंकिंग का, उसके बाद साथ में आपको वॉलेट का भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, उसके बाद UPI से आप सब पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नेट बैंकिंग का भी इधर सुविधा दिया गया है, साथ में क्रेडिट कार्ड भी इधर अवेलेबल है, यहाँ आप क्रेडिट कार्ड से भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं अभी क्रेडिट कार्ड का यूज करके दिखलाता हूँ। आप देखेंगे हमको क्रेडिट कार्ड एक ऑलरेडी मैं इसमें ऐड करके रखा था, जो कि हमको कार्ड का 4 डिजिट हमको शो हो रहा है। अदरवाइज आप न्यू कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आप न्यू कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। चलो फाइनली गाइस हम जो पुराना ही मेरा कार्ड था इसमें ऐड, उसी पे अपना मैं इस पे पेमेंट करके आपको दिखला देता हूँ। चलो फाइनली मैं इस कार्ड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमको CVV कोड इधर फिल करना पड़ेगा, जो कि मेरा क्रेडिट कार्ड का CVV कोड है, वो चलो मैं फाइनली पी कर दिया। उसके बाद हमको पे पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं पे पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं पे पे भी क्लिक कर दिया हूँ। पे पे क्लिक करने के बाद गाइस फाइनली आपको ये लेके जाएगा पेमेंट गेट पे पे, जो भी आप कार्ड यूज करते रहेंगे। तो गाइस फाइनली मैं अभी SBI का कार्ड यूज कर रहा हूँ, तो फाइनली हमको SBI पेमेंट गेट पे लेके गया है। उसके बाद देखेंगे गाइस हमको SBI की तरफ से एक OTP आ चुका है। OTP गाइस इधर आपको फिल करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं OTP इधर फिल कर देता हूँ। OTP फिल करने के बाद गाइस आपको फाइनली पे पे क्लिक करना पड़ेगा।
क्लिक कर दिया हूँ। पे पे क्लिक के बाद गाइस फाइनली मेरा वेरीफाई ओटीपी हो रहा है। गाइस जैसे मेरा वेरीफाई ओटीपी हो गया और फाइनली मेरा ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, यानी मेरा ये ट्रांजेक्शन पेड हो चुका है। तो पेड होने के बाद गाइस फाइनली आपको ये ट्रांजेक्शन यानी देखना है कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो इसके फाइनली आपको राजोर पे ई पोस एप्लीकेशन जो है आपको उसी एप्लीकेशन में आपको जाना पड़ेगा। तो फाइनली आपको उधर जाकर आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये काम कर रहा है। चलो फाइनली गाइस मैं इधर आया तो हमको इधर दिख रहा है कि सक्सेसफुल, यानी आपका पेमेंट जो है इधर से आपका सक्सेसफुल हो चुका है। तो गाइस आप सब इस तरह से अपना क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करते हैं राजोर ई एप्लीकेशन के तरफ से, यानी ई पोस एप्लीकेशन के तरफ से आप सब इस तरह से अपना क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ में अपना हिस्ट्री भी जान सकते हैं हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद। साथ में आप दूसरा पेमेंट फिर से लेना चाहते हैं तो पेमेंट पे क्लिक करके आप पेमेंट भी दूसरा भी रिसीव कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से अपना क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।